भुना चना जो हम सब के लिए बहुत हेल्दी होता है। इसके गुड बेनिफिट के बारे में बताऊँ तो हम सबका पाचन तंत्र को स्ट्रॉन्ग बनाता है और हमारे इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है, और इसका सेवन करने से ना लॉन्ग टाइम तक हमारा पेट भरा भी रहता है। आज भुने चने से बनने वाली बहुत ही मज़ेदार स्वीट की रेसिपी लेकर आए हैं। तो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, तनु मनु देसी किचन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर कीजिए। तो फिर चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पे मैंने 250 ग्राम भुना चना ले लिया है। और फ्रेंड, आज की जो मिठाई बनने वाली है ना आपको पाउडर दूध, ना मावा, ना खोया, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं। बस घर के रखे हुए चीज़ों से आप बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई बना सकते हो। तो अभी देखिए, मैं अपना इसको मिक्सी बाउल में डाल रही हूँ और इसका ना पाउडर बना लेंगे। तो देखिए, मैं थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे डाल रही हूँ, अगर ज़्यादा दे दूँगी तो अच्छे से नहीं होगा। और एक बात फ्रेंड, हमें इसका बारीक पाउडर नहीं बनाना है, बस दरदरा इसका पाउडर बनाना है। तो देखिए, यहाँ पे भुने चने का मैं यहाँ पे पाउडर बना ली हूँ और ज़्यादा बारीक पाउडर नहीं बनाई हूँ, थोड़ा सा दरदरा किस्म का रखी हूँ यहाँ पे। अब देखिए, जिस कटोरी का मैंने भुना चना लिया था ना, उसी सेम कटोरी का मैंने यहाँ पे चीनी ले लिया है, यानी 250 ग्राम चने में 250 ग्राम चीनी लगेगा। अब देखिए, ओवन पे मैं पतीला चढ़ा दी हूँ और हमारा जो चीनी है ना, मैं आधा चीनी को इसमें डाल दूँगी। देखिए, यहाँ पे मैं भी आधा चीनी ही डालूँगी और आधा चीनी रख दूँगी। अब इसको क्या करेंगे, मेल्ट कर लेंगे और चीनी का ना कैरेमलाइज बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे, अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं यहाँ पे चीनी का कैरेमलाइज क्यों कर रही हूँ, क्योंकि चीनी को कैरेमलाइज करने से ना चीनी का एक कलर आ जाता है, और इसका जो कलर आएगा ना बहुत ही अच्छा मिठास भी लाएगा, और उसके संग हमारा जो मिठाई जो बनने वाला है ना, उसमें बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर भी आएगा। इसके वजह से मैं यहाँ पर देखिए चीनी को इस तरीके से कैरेमलाइज करूँगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कोई भी फूड कलर इस्तेमाल नहीं करने वाली, क्योंकि चीनी का ही मुझे कलर चाहिए। तो देखिए, इसको अच्छे से कैरेमलाइज करूँगी। जब हमारा जो चीनी जो है ना गोल्डन कलर हो जाए ना, तभी यहाँ पे मैं दूध ऐड करूँगी। 2 मिनट तक मीडियम फ्लेम में कुक होने के बाद देखिए बहुत ही अच्छा सुनहरा कलर आ चुका है। मैं यहाँ पे जिस कटोरी का चना ली थी ना, सेम कटोरी का डेढ़ कटोरी यहाँ पर दूध ऐड करूँगी। तो देखिए, यहाँ पर मैं दूध ऐड कर रही हूँ। अब जब तक के चीनी दूध में अच्छे से मिल ना जाए, हमें इसको अच्छे से मिलाना है। और अभी क्या करेंगे, जब अच्छे से दूध और चीनी मिल जाए ना, हमारा जो पाउडर किया हुआ भुना चना है इसमें ऐड कर देंगे। तो अभी यहाँ पे देखिए, दूध और चीनी अच्छी तरीके से मिल चुका है और बहुत ही अच्छा कलर भी आ चुका है। अब क्या करेंगे, हमने जो भुना हुआ चना का जो पाउडर बनाया था ना, उस पाउडर को इसमें ऐड कर देंगे। तो देखिए, यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इस तरीके से, चम्मच से चारों ओर फैला के यहाँ पे डाल रही हूँ, जिससे कि इसमें कोई भी लम्स ना जम जाए। इसी तरीके से मैं इसको चारों ओर फैला के यहाँ पे डाल रही हूँ, और तुरंत ही हमें क्या करना है, इसको चम्मच से हिलाना है। तो देखिए, मैं यहाँ पे सभी पाउडर को यहाँ पे मिला लूँगी इस तरीके से, और हमें चम्मच को चलाते रहना है। तो देखिए, यहाँ पर मैं डाल रही हूँ और चम्मच चला रही हूँ। आप इसको घी में भूनकर भी पाउडर बना सकते हो, लेकिन भुना हुआ चना पहले से ही है तो इसके वजह से मैं भूनी नहीं। अभी क्या कर रही हूँ, डायरेक्ट पाउडर बना कर ही इसको इसमें डाल रही हूँ। बिल्कुल ड्राई हो चुका था, तो मैंने यहाँ पे हाफ कटोरी पानी फिर से ऐड किया है, और इसको बिल्कुल लो फ्लेम में अभी देखिए इसको इस तरीके से मिला रही हूँ। अब 3 मिनट तक मीडियम फ्लेम में इसको भूनने के बाद, हमारा जो बाकी का जो चीनी था ना, अब इसमें चीनी ऐड कर देंगे। तो देखिए, चीनी इसमें डालते ही ना, हमारा जो यहाँ पे भुना हुआ चना है ना, फिर से ठीक हो जाएगा। आप यहाँ पे देख ही सकते हो। तो मैं इसको अच्छे से चला रही हूँ। अब देखिए, चीनी मेल्ट होने के बाद पहले से ठीक हो चुका है, तो मैं इसमें क्या करूँगी, यहाँ पे हाफ चम्मच इलायची पाउडर ऐड कर दूँगी। और मैं इलायची पाउडर को ना ज़्यादा बारीक नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा सा दरदरा रखी हूँ, क्योंकि इलायची का जब फ्लेवर आता है ना, तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा महक आता है। तो इसके वजह से मैं ज़्यादा बारीक नहीं करती, लेकिन आप अपने चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर डालिएगा। अगर आप पाउडर इलायची ज़्यादा पसंद करते हो, तो ज़्यादा बारीक पाउडर का इलायची आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो।
अभी क्या करेंगे देखिए, मैं अभी यहाँ पे घी ऐड करूँगी, लेकिन आप चाहे तो यहाँ पे बटर भी ऐड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे देखिए घी ऐड करूँगी और इसको अच्छे से मिलाऊँगी। तो देखिए इस तरीके से मिला रही हूँ, आप अपने चॉइस के हिसाब से यहाँ पे घी डालिएगा। अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हो तो ज़्यादा डालिएगा, अगर कम पसंद करते हो तो कम डालिएगा। तो हमारे घर में घी ज़्यादा पसंद करते हैं, तो मैं यहाँ पे फिर से देखिए थोड़ा सा घी यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और ऐड करते हुए ना इसको फिर से अच्छे तरीके से मिलाऊँगी, जिससे कि हमारा जो भुना हुआ चना है ना अच्छे से मिल जाए। तो देखिए इस तरीके से चम्मच से चलाना है हमें। तो देखिए परफेक्ट तरीके से बनके तैयार है, अभी प्लेट पे निकाल लेंगे। तो प्लेट पे निकालने से पहले भी यहाँ पे देखिए थोड़ा सा घी लेके चारों ओर मिला रही हूँ, जिससे कि हमारा जो स्वीट है नीचे ना चिपके। अब जब हल्का सा ठंडा हो जाए ना, हाथों के सहायता से इसको मैं इस तरीके से शेप दे दूंगी। यहाँ पे देखिए यहाँ पे मैं शेप दे रही हूँ चौकन शेप में, और फिर से थोड़ा सा घी लेके ना इसके चारों ओर फैला लूँगी। तो देखिए इस तरीके से मैं चारों ओर इसको अच्छे तरीके से डैप डैप कर रही हूँ। अब देखिए चौपट के सहायता से ना मैं इसको चौकन शेप दे दूँगी। तो मैं यहाँ पे पिस्ता को पाउडर कर ली थी और यहाँ पे काजू से इसको गार्निश की हूँ, जो मैं कैमरा पे शूट करना मिस हो गया था फ्रेंड। और देखिए हमारा दानेदार भुना चने का स्वीट बिल्कुल तैयार है, और मेरी गारंटी है आप एक बार इसको बनाओगे ना तो बार बार बनाने का आपका मन करेगा। आप इसको खाओगे तो बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि बिल्कुल दानेदार लगता है ना, तो इससे बहुत बढ़िया लगता है, इसी वजह से हमने दरदरा पाउडर बनाया था। तो फ्रेंड इसी तरीके से आप हमारे साथ में रहिए, आप अपना सपोर्ट दीजिए, और वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और बहुत से लोग हैं जो बिना लाइक के कमेंट करके चले जाते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक के साथ कमेंट किया कीजिएगा, क्योंकि लाइक कमेंट सब्सक्राइब होता है तो हम लोग मोटिवेट होते हैं। तो हमें मोटिवेट करते रहिए, और आपका साथ हमारे साथ बनाए रखिएगा हमेशा के लिए। तो फिर आज की रेसिपी यहीं पे ख़त्म करते हैं, मिलते हैं एक और रेसिपी के संग। आज के लिए खुदा हाफिज़।